वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल। आई एम नाहिद। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये ब्यूटीफुल सा मेकअप लुक। तो ये वीडियो है बिगनर्स के लिए, जिनको मेकअप करना बिल्कुल नहीं आता, जिनको ये नहीं पता होता कि कंसीलर फाउंडेशन से पहले लगाना है या फाउंडेशन के बाद लगाना है, प्राइमर लगाना है फेस पर या नहीं लगाना है। तो ये वीडियो उनके लिए है स्पेशल। और अगर आप ये वीडियो पूरी देखते हो तो आपको पता चल जाएगा कि आप क्या मिस्टेक करते हो मेकअप करते टाइम, जो कि आपका मेकअप पैच हो जाता है और आपका मेकअप बहुत ही ज़्यादा गंदा दिखता है और आपका फाउंडेशन लगाने के बाद जो बेस होता है वो नीला पड़ जाता है। तो आपको इस वीडियो में सब कुछ पता चल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और गाइज, इस वीडियो में मैं अपने नए ब्रांड के सुइस ब्यूटी के प्रोडक्ट भी यूज़ करने वाली हूँ, जो कि मैंने अभी अभी परचेज़ किए हैं, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में मिल गए हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपने फेस पर अप्लाई करूंगी मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर के लिए मैं यहाँ पर ओल्ड ट्री की सीरम यूज कर रही हूँ, जो कि काफी ज्यादा अच्छी है। इसका रिजल्ट भी काफी ज्यादा अच्छा है, तो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है, तो मैं इसको यूज करती हूँ। और अपने लिप्स को भी मैं मॉइस्चराइज कर लूंगी फेस के साथ साथ। उसके बाद मैं अपनी आईब्रो सेट कर रही हूँ। उसके लिए मैंने लिए एक ब्लैक पेंसिल, ली है आउटलाइनिंग पेंसिल। इससे मैं अपनी आईब्रो को फिल कर लूँगी, क्योंकि जितना भी गैप है ना मेरी आईब्रो में वो फिल हो जाएगा, तो एकदम अच्छी और नेचुरल लुक लगेगी। तो इसको मैं फिल कर रही हूँ। और आईब्रो सेट करने के बाद मैं लगा रही हूँ फाउंडेशन, जो कि स्विस ब्यूटी का है प्राइम मोश फाउंडेशन, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसकी स्मूथ फिनिश है, लाइट वेट है, फुल कवरेज देता है ये फाउंडेशन। और आप इसको ना डेली में भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि आप कहीं जाते हो ऑफिस वगैरह, तो आप इसको डेली में यूज़ कर सकते हो। काफ़ी ज़्यादा स्मूथ बना देता है ये फेस को, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है सच में। आप इसको एक बार ट्राई ज़रूर करना। आप देखना कि मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी अपने फेस पर, देखना आप कितना ज़्यादा नेचुरल लगेगा, मेरा फेस कितना ज़्यादा नेचुरल बन जाएगा। ऐसा लगेगा ही नहीं जैसे कि मैंने फाउंडेशन अप्लाई कर रखा हो। यू कैन सी, आपको डिफरेंस दिख ही रहा होगा। एंड नाउ आफ्टर फाउंडेशन मैं लगा रही हूँ कंसीलर। कंसीलर भी मैं यहाँ पर सुइस ब्यूटी का ही यूज़ कर रही हूँ, और ये क्रीमी फॉर्म में, और ये काफ़ी जल्दी से ब्लेंड हो जा रहा है, इजीली ब्लेंड हो रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है ये। और आज मैं अपनी आई पर थोड़ा हैवी मेकअप करूंगी, तो पहले मैंने लिए ओरिक ब्यूटी की काजल ली है, पहले इसको लगाऊंगी मैं। और उसके बाद मैंने लिया है आई शेडो पैलेट से ब्राउन कलर, एंड फिर शिमर पैलेट से भी मैंने एक गोल्डन कलर पिक कर लिया है। इसको मैं अप्लाई कर रही हूँ, थोड़ा शिमरी हो गया मेरा आई। उसके बाद मैं अपनी आई को और ज्यादा ब्यूटीफुल बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है ग्लिटर गोल्डन कलर का। इसको मैं अपनी फिंगर से ही ऐसे डैब डैब करके लगा लूंगी और अपना आई मेकअप कंप्लीट करूंगी मैं लाइनर के साथ। लाइनर लगाऊंगी, विंग लाइनर लगाऊंगी, दोनों आईज में बिल्कुल सेम होना चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत गंदा लगता है अगर टेढ़ा मेढ़ा लाइनर हो जाता है। तो मेरा बिल्कुल सेम लगा है। और फिर मैंने अपनी ब्यूटीफुल सी आई लैशेज ली है, जिनके ऊपर पहले मैंने ग्लू लगा लिया। ग्लू लगाने के बाद 5 मिनट को ड्राई होने दिया। ड्राई होने के बाद मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ। अब मैं अपने वाटर लाइन के नीचे एक ब्लैक कलर लिया है, मैंने इसको लगा रही हूँ। थोड़ा काजल टाइप हो जाएगा, बट ज्यादा नहीं लगा रही मैं इसको, क्योंकि मैं अपनी वाटर लाइन पर लगाऊंगी व्हाइट काजल। एंड फिर दोबारा से मैंने स्विस ब्यूटी का कंसीलर ले लिया, इसको मैं अपनी आई के नीचे लगाऊंगी, एंड लगाऊंगी मैं इसको माउथ एरिया पर लगाऊंगी, नोज पर लगाऊंगी, और काफी ज्यादा अच्छा है ये। इसको ब्लेंड करना भी ईजी है, पहले भी मैंने आपको बता दिया, तो आप इसको परचेज कर सकते हो। और वैसे भी अमेजोन पर ना इतनी अच्छी अच्छी सेल चलती रहती हैं, तो आपको परचेज कर सकते हो, महंगा नहीं है बिल्कुल भी, तो आप ले सकते हो इसको। और हाँ, इनका जो लिंक है ना सब प्रोडक्ट्स का, वो सबको आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा मेरे। आपने कहीं ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जहमत नहीं उठानी, आपको सब मिल जाएगा वहीं पर। और अभी मैंने लगाया था ब्लश। ब्लश मैंने लगाई थी सुइस ब्यूटी की लिपस्टिक से, मैंने ब्लश लगाया था। उसके बाद मैं लगा रही हूँ कॉम्पैक्ट पाउडर, जस्ट हबका कॉम्पैक्ट पाउडर। और फाइनली अब मैं लगा रही हूँ अपने होठों पर लिपस्टिक। लिपस्टिक लगाने से पहले मैं लगाऊंगी लिप लाइनर, क्योंकि मैं आज लगाऊंगी रेड लिपस्टिक। और रेड लिपस्टिक लगाने से पहले हमेशा जरूरी होता है कि लिप लाइन से अपने आउटलाइनिंग कर लो अपने लिप्स की। तो अब मैं ले रही हूँ लिपस्टिक सुइस ब्यूटी की, जो है हॉट रेड 29। इसका शेड है 01 रशियन रेड कलर, काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और ये काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है, फुल टेक्सचर है, और इतनी ज़्यादा अच्छी लग रही है ना मुझे पर्सनली। आप रेड लिपस्टिक ढूंढ रहे हो ना, तो इसको ज़रूर ट्राई करना आप एक बार। अगर आपको ये मेकअप अच्छा लग रहा है ना, तो प्लीज़ लाइक कर देना, प्लीज़ 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 लाइक कर देना, शेयर कर देना मेरी वीडियो को, एंड सब्सक्राइब तो अभी तक कर ही दिया होगा आपने। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।